वाइस वाले उन्होंने मैंने लक्ष्य था कि गेमिंग हम अपने करेंगे ब्रांड वीडियो जिसका नाम है वाले GTA 5। तो भाई देख गाड़ी खड़ी हो तो मस्त तगड़ी सुंदर, बस मेरे को मेरे पास सारी सुपर कार है ठीक है। एक मॉन्स्टर ट्रक था उसकी वीडियो अपलोड हुई, फिर मॉन्स्टर ट्रक में दिक्कत हो गई तो वो मैंने वापस भेज दिया ठीक हो के आएगा ठीक है। तो उसमें दिक्कत थी मॉन्स्टर ट्रक में, चक्कर में मॉन्स्टर ट्रक मैंने वापस भेज दिया है और मैं आ गया इधर काम से ठीक है। तो मैं पूरा काम करके ना फिर जाऊँगा। तो मेरे को क्या, मेरी एक गाड़ी की डिलीवरी आ रही है ठीक है, गाड़ी की डिलीवरी दिख रही है मेरे को, मतलब है। तो उस गाड़ी से, उस गाड़ी को लेने ना मैं कोई सुपर कार नहीं लेके जा रहा, नहीं ये वाली लेके जा रहा हूँ। ये वाली ना जल्दी से ऊपर चल जाती है, जल्दी से ना बहुत तेज, मतलब बहुत तेज स्पीड पकड़ती है। और यहाँ से मेरी एक गाड़ी गायब है, पता नहीं कहाँ है ठीक है। एक वो रही, एक ये रही, एक ये खड़ी, एक वहाँ खड़ी, एक वहाँ खड़ी है, और दो बुगाटी मेरी यहाँ पे खड़ी है, ये शियोन और ये इसका मेरे को यान पता नहीं कुछ तो नाम था इन दोनों का, बट बुगाटी है मैं इतना जानता हूँ। तो मैं लाल वाली गाड़ी में रहूँगा और उसका कलर डिसाइडेड तो था नहीं, मैंने पता नहीं, मैंने उन्हें कहा था जो सी मतलब गाड़ी जल्दी हो पाए ना वो भेज देना बस। तो मेरे को इतना नहीं पता कि उन्होंने कौन सी गाड़ी भेज दी है कौन सी नहीं, वो सा भी कलर हो पा सकता है। एक बार तुम आवाज़ सुनना है एक बार गाड़ी की ठीक है, मैं तुम्हें आवाज़ सुनाता हूँ गाड़ी की, सुनो मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो रहा हूँ, गाड़ी की आवाज़ सुनना ठीक है। गाड़ी की आवाज़ सुनी कैसी है, गाड़ी की आवाज़ सही है ना, कमेंट में बताने एक बार ठीक है। तो अब चलो गाड़ी की डिलीवरी लेकर आता हूँ फटाक से ठीक है। बट मैं इतना आपको हिंट दे सकता हूँ, वो ऑडी की गाड़ी है ठीक है, ऑडी कार है, मतलब ऑडी की कंपनी की गाड़ी है। मुझे लग रहा है मैं गलत लेके निकलेगा, मैं भीग ना जाऊँ बस इस गाड़ी में ना। और तुम कह रहे हो भाई फॉर्मूला रेसिंग वन कार तुमने कहाँ से ली, भाई मैंने बाहर से ऑर्डर करके मंगाई है ये, मतलब मेरे को इतना था कि किसी दिन मेरे को ये कार चलानी है वो भी GTA में, तो बस मैंने बाहर से ऑर्डर कर ली। जब मॉन्स्टर ट्रक मंगाया था ना मैंने, तो उसी के साथ मैंने ये ऑर्डर कर दी थी। मॉन्स्टर ट्रक थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि मॉन्स्टर ट्रक उन पर मतलब ऑर्डर था उन पर, वो मॉन्स्टर ट्रक मेरे पे आ गया और ये थोड़ा लेट आई। मॉन्स्टर ट्रक फिर रिपेयर होने जा चुका है क्योंकि वो ख़राब हो चुका था, मतलब पहाड़ों से लाया उतार के, उतार मतलब चढ़ा के, वो मैंने जहाँ पे वीडियो बंद कर दी ना वहाँ ही बंद हो गया, वो चालू ही नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी खींच रहा हूँ, एक फॉर्मूला रेसिंग कार है और तुम गाड़ी भगा नहीं रहे उसको, फिर गाड़ी का फायदा ही नहीं है। ये आगे जो ये रिम लग रहा है ना, ये वाला टायर को जो हल्का सा ढक रहा है, ये जिस पे डिमोनोली लिखा हुआ है, ये वाला कार्बन फाइबर का है पूरे से, हमने कलर करवा रखा है, कार्बन फाइबर को कलर करवा रखा है बस हमने। और इतना वो था ना कि ये टूट जाएगा ना अभी तो बहुत महंगा खर्चा बैठेगा इसका, कार्बन फाइबर बाहर से आएगा कि यहाँ पे मिल नहीं रहा। मैंने पूछी थी कार्बन फाइबर यहाँ पे नहीं है, मैं सोचा था कि भाई पहले अगर मैं ज़्यादा रेस वेस पर पैर रख देता हूँ तो एक बार उसके लिए कंफर्म कर देता हूँ ना कार्बन फाइबर कहाँ है। देखो ये आउटलाइन हल्की हल्की कार्बन फाइबर की आपको दिख रही होगी बाहर निकल की हुई, फाइबर की दिख रही होगी बाहर, ये देखो ये पूरा कार्बन फाइबर देख लो तुम ठीक है ढंग से।
मतलब आधी ज़्यादा गाड़ी कार्बन फाइबर वाली है, ठीक है, इसमें आधे ज़्यादा कार्बन फाइबर है जो मैंने पेंट करा रखा है, ठीक है। मैं तुम्हें अभी पूरी बताता हूँ, देखो जिस पे ये किस लिखा है कार्बन फाइबर है, जिस पे ये डेमोन लिखा है ये पूरा कार्बन फाइबर है, जिस पे ये डेमोन लिखा है ये भी कार्बन फाइबर है, जिस पे ये छोटे छोटे एनिंग लिखी है ये भी, जिस पे ये 21 लिखा हुआ है ये भी, और ये जिस पे ये मतलब पूरी गाड़ी टोटली कार्बन फाइबर से बन रही है। कार्बन फाइबर को हमने कलर कर रखा है क्योंकि मेरे को नॉर्मल वो ना जो कार्बन फाइबर का पेंट कलर था वो मेरे को सही नहीं लगा, तो मैंने इसे चेंज करके ही रख लिया। मेरा ऐसे कट लेना था, गलत चला गया मैं, अभी खाली अभी भगा सकता हूँ मैं रास्ते को। और मेरे को पता नहीं मेरी गाड़ी पता नहीं कितनी देर में, उसने कहा था कि भाई तू पहुंच, तेरी गाड़ी हम तैयार कर रहे हैं, पता नहीं अब कब तक आएगी। एक बार मैं पीछे देख आ जाऊँ, क्योंकि इनकी जो गाड़ी जितनी भी हमारी प्रिपेयर होती है ना पीछे ही मिल जाती है हमें, पीछे तो एक भी गाड़ी नहीं दिख रही मेरे को, हम लेके जाते हैं। शटर बंद है उसका मतलब गाड़ी रिपेयर हो चुकी है मेरी, मतलब बन के तैयार रेडी है मेरी गाड़ी, तो है किधर, क्योंकि इनका शटर खुला होता है जब भी कोई गाड़ी रिपेयर या बन रही होती है या तैयार हो रही होती है, तब ये सारे शटर वटर खोल के तैयार करते हैं। नहीं ये भी यहाँ से नहीं, फिर वहीं खड़ी होगी, नोटिस नहीं किया होगा गाड़ी। मैं यहाँ से बैक क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ना अगर मैं आग फ्रंट से चढ़ाऊँ ना ये नीचे लग जाएगा, देख रहे हो ये वाला कार्बन फाइबर की पार्ट ना नीचे लग सकता है, लग तो गया नीचे भाई, पूरा बेस नीचे टिक चुका है। हाँ निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई, हाँ हल्का बहुत ना मेरे को टेढ़ा करके निकालना पड़ता है। मेरे को कलर डिसाइडेड तो है नहीं, बट उसने मेरे को बात बताई थी कलर नीले रंग का होगा, कलर से ऐसे नीला भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला तो था भाई अगर हो पाए तो नीला भेज देना। ओए कद यही वाली तो नहीं है मेरी गाड़ी, एक बार अंदर चेक करके आ जाता हूँ, सिमियन विमान हो तो फिर यही वाली गाड़ी है, क्योंकि उसने कहा था बाहर ही मिल जाएगी रेडी। अगर इसकी नंबर प्लेट पे बॉयज लिखा होगा ना तो ये नंबर गाड़ी मेरी है, क्योंकि मैंने गाड़ी की नंबर प्लेट पे बॉयज लिखवाया था। हाँ यही वाली मेरी गाड़ी है, क्या कुछ इतनी तगड़ी तो नहीं है, बट यार मेरी नई गाड़ी की डिलीवरी तो हो गई, मतलब उतनी तगड़ी तो नहीं है, इंटीरियर पे भी काम नहीं दे रखा उन लोगों ने। आवाज ना घटिया आ रही है यार इसमें, इंजन मेरे को लग रहा ऑन ही नहीं है इसका। अभी ना गाड़ी को हल्की सी रेस दे के ना भगाता हूँ गाड़ी को, ठीक है आ गई आ गई गाड़ी, मंगा आ गई, इंजन ऑन ही नहीं हुआ था उसका ढंग से, मतलब चाबी घूम गई थी टायर घूमने लग गए थे, बट इंजन मतलब पावर नहीं आई थी उतनी ढंग से, अब आ गई पावर। तो अब एक काम करता हूँ, गाड़ी को ना भगाता हूँ मैं यहाँ से, और इस वाली गाड़ी को ना मैं अभी थोड़ी देर में ले लूँगा, यहाँ से उठा लूँगा, ठीक है। तो बॉयस तो मैं इस वाले रास्ते जाऊँगा।
उन्होंने मेरे को, मैंने इस गाड़ी को ना टेस्ट ड्राइव करा था ना कुछ, सीधा मेरी फर्स्ट ड्राइव है ये। पर गाड़ी 100 तो टच कर रही, पता भी नहीं चल रहा 100 पे, तो पता भी नहीं चल रहा कि 100 टच हो गई गाड़ी। ब्रेकिंग पे काम कराना पड़ेगा इसके, थोड़ा सा ना ब्रेकिंग पे काम होगा इसके। मैंने कहा ना इसके ब्रेकिंग में काम होगा, अगर इसके ब्रेकिंग पे काम नहीं हुआ ना तो गाड़ी भाई पूरी खत्म हो सकती है मेरी। तो मेरे को ना इसके ब्रेकिंग पे काम करना पड़ेगा पहले, पहुंच ही गया। अब ना मैं यहाँ पे क्यों आता हूँ, क्योंकि ना मेरी एक हिस्ट्री बन चुकी है कि मैं इसी यहाँ पे आके रिपेयर कराता हूँ, अपनी गाड़ी मॉडिफाई कराता हूँ। मैं यहीं मॉडिफाई कराता हूँ, या तो मैंने बस दो दो जगह मैंने अपनी सेट है, ठीक है। एक तो ये है और एक ना, तो बाहर आता हूँ पहले तो बताता हूँ। एक तो ये वाली जगह है, ठीक है, एक तो मेरी ये वाली जगह हो गई, ठीक है। अब मेरे को करनी है अपनी गाड़ी को पूरा मॉडिफाई, ठीक है। फटाफट से ना इस गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं, जल्दी जल्दी। फ्रंट बम्पर कस्टम, कस्टम अरे कस्टम डाल तो दिया, पता नहीं कस्टम डल रहा, बैक बम्पर नहीं डल रहा। इंजन 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 में काम हो गया, एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट। क्रोम नहीं चाहिए मेरे को, हुड हुड पे काम नहीं करना, लाइट पे काम नहीं करना, रिपेयर पे काम। हाँ मेरे को रिपेयर पे काम करना है परमानेंट, मेटेलिक पे जाके मेरे को इशू करना है गोल्ड। स्किट पे जाके कस्टम स्किट्स, ठीक है। स्पॉइलर, स्पॉइलर थोड़ा इशू कर रही है। सस्पेंशन भाई बहुत डाउन हो चुके हैं, सस्पेंशन व्हील पे काम नहीं है, विंडो पे मेरे को काम है बहुत, ठीक है। विंडो पे काम हो गया, अब एग्जिट करते हैं। और अब मेरी गाड़ी के एक बार तुम लुक देखो, आओ तो। अब जो मेरी गाड़ी है ना, अब सही लग रही है। अगर मैं उन्हें बोल के बोलता ना कि मेरे को ये ऐसे मॉडिफिकेशन करके दे चाहिए, तो थोड़ा ज़्यादा वो कर देते मेरे को ना, पैसे लगाते। मैं सिंपल गाड़ी ले ली, कोई भी ऑडी ले रहा है ना, एक बात सुन लो, ऑडी अगर तुम बाहर से ऑर्डर कर रहे हो अंदर, या इसका गराज से ले रहे हो इसके, तो एक बात को अपने दिमाग में रखना, क्या कहते हैं ऑडी, ऑडी को कभी कस्टम मत कराना, वरना वो जब उतरेगी ना प्लेन से आएगी, बाहर से अगर ऑर्डर करा है तो वो कस्टम्स पर अटक जाएगी, ठीक है। मैंने ये बात मतलब पहले ही पता नहीं थी, जब एक दो गाड़ी ऑर्डर करी फिर पता चल गई मेरे को। क्या होता है जब तुम बाहर से मॉडिफाई करवा के अपनी गाड़ी अंदर लाते हो ना, तो वो कस्टम्स नहीं, जो जब तुम एंटर करते हो उसमें प्लेन वगैरह में, जब तुम्हारी गाड़ी उतरेगी ना, तो कस्टम्स में अटक जाएगी तुम्हारी गाड़ी, कस्टम्स से नहीं निकलेगी। तो मैंने जितनी पहले दो दो गाड़ियाँ थी वो कैसे तैसे करके छुटाई थी, मतलब उसमें एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं कस्टम पर। अगर आपकी गाड़ी बाहर से कस्टम होकर आ रही है तो 2 या 3 लाख रुपए अपने तैयार रखना, क्योंकि कस्टम पे पक्का अटकेगी। और तो भाई जो इसके पटाखे, तो पटाखे छूट रहे, आवाज़ सुन रहे हो पटाखों की, चाट चाट। ठीक है, मेरी यहाँ से एक गाड़ी गायब है और वहाँ से एक गाड़ी गायब है, कोई बात नहीं। अभी इस वाली गाड़ी को कहाँ पार्क करना है देखते हैं। इस वाली गाड़ी को मैं पार्क करने वाला हूँ यहाँ पे। वेट 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 वेट, ये वाली गाड़ी कहाँ से आ गई, मेरी वाली है ना। हाँ
ये तो भाई मेरी वाली है। ठीक है चलो, ये वाली गाड़ी होगी मेरे पास। ठीक है, तो ये सारी गाड़ियाँ अभी वहाँ खड़ी है उसके शोरूम पे, वो शोरूम से गाड़ी लेके आनी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो तक मेरी गाड़ी आ जाएगी वहाँ से भी। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए बाय बाय। भैया सब्सक्राइब कर देना।